नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 10 अगस्त 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी। यूपीएससी के द्वारा यहां पर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें फीमेल्स भी यहाँ पर, वुमेन्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, जिसके लिए लास्ट डेट है 25th of August 2020। तो अगर आप भारतीय सेना में एज अ ऑफिसर विंग में क्या होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो आप इस यूपीएससी के द्वारा अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं और इस देश के बलिदान में क्या कर सकते हैं, अपना भी योगदान दे सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पेज पर इस यूपीएससी की पीडीएफ को डाउनलोड कर चुका हूं, सेंड कर चुका हूं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के नए नए राज्यपाल महोदय, जिनका नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका अनिश्चित काल में ही क्या हो गया था, देहावसान हो गया था। इसीलिए मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राज्यपाल का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल को। अब यहाँ पर फुल फ्लेश्ड गवर्नर मिल गए हैं मध्य प्रदेश को, जिनका नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी और यह उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही संबंधित थे। भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, विशेषतः मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त जो परिसंपत्तियों का निर्माण हो गया है, उसके लिए विशेषज्ञ समिति बनी है, बहुत अनुभवी बैंकर हैं, केवी कामत समिति। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये अपनी सिफारिश किसको देने वाली है, आरबीआई को देने वाली है, और आरबीआई इन्हीं सिफारिशों को संशोधित करके 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी सिफारिशों को अधिसूचित करने की बात कह रही है। इस समिति में अन्य सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्वनी पारेख जैसे रणनीतिक सलाहकार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय बैंक संघ आईबीए के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप समझ सकते हैं कोविड-19 की वजह से वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है देश की, इसी को लाइन पर लाने के लिए, इसी को ऑन द ट्रैक लाने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं केवी कामत समिति किस हद तक अपना काम करती है। आपको याद होगा केवी कामत क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, इसके पहले पहले अध्यक्ष या चेयरपर्सन भी बनाए गए थे, कुछ ही समय पहले इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। अब इन्हें यह महत्वपूर्ण समिति का क्या है भाई, अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कोवकोस 2020 या काकेसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है, बहुपक्षीय सैनिक क्या है अभ्यास, यह कहां पर आयोजित किया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काकेसस 2020 के नाम से क्या है भाई जाना जाता है, किसे, कोवकोस 2020 को, और यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो यहां पर यह रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा मैंने दोनों वर्ड इसलिए लिख दिए हैं, आपसे फर्स्ट वाला वर्ड भी पूछा जा सकता है जो के से है, और आपसे सेकंड वाला पूछा भी जा सकता है जो सी से है, तो दोनों ही नाम आ सकते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रहिएगा। कहां पर आयोजित किया जा रहा है, रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जा रहा है। यहां पर भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेशन किया है, 150 से अधिक यहां पर सैन्य कर्मी भेजे हैं, जिसमें नौसेना वायुसेना के भी कर्मी यहां पर शामिल है। साथ ही साथ हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान, टर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्यों के अलावा 18 देशों को यहां पर भेजा गया है। तो यहां पर रूस मल्टीलेटरल बड़ी एक्सरसाइज यहां पर कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत देश ने भी साथ दिया है। इसीलिए आपसे जब बहुत सारे देश किसी एक्सरसाइज में शामिल होते हैं तो प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन जाती है, और यही हो रही है इस काकेसस 2020 के साथ में। आप देख सकते हैं रशिया और इंडिया का क्या फ्लैग और उनकी आर्मी के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, उनका जो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क,
रोड टैक्स को माफ करने की बात कही है और 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करने की बात कही है। तो दिल्ली सरकार यहाँ पर ला रही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर सामने मैंने लिखा है। आप जो सरकार के द्वारा जो पेम्पलेट जारी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप उसे भी सामने देख सकते हैं कि 2024 तक दिल्ली में 25% ई व्हीकल का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है ये भारत जैसे देश की राजधानी के लिए, जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ियाँ चलती हैं और सिर्फ कुछ ही घंटों में 8-8, 10-10 किलोमीटर के जाम लग जाया करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत के पहले पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था चेलम स्पोर्ट क्लब न्यू दिल्ली में। तो दोनों मत भूलिएगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई, जो क्रूड ऑयल में हमारी निर्भरता उसे कम किया जाए, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ यहाँ पर समझौता कर रहा है कौन, महाराष्ट्र की सरकार। और इस परियोजना को शुरू करने वाला यह भारत देश का पहला राज्य बन गया। आप समझ सकते हैं इतने बड़ी मात्रा में पूरे के पूरे राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऐसा पहली बार इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसलिए इस तरह की परियोजना पहली ये देखने को मिल रही, जहां पर 1 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त बिना सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया जाएगा और लगभग 22 मिलियन से अधिक छात्रों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो अच्छा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र सरकार और गूगल के द्वारा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, महाराष्ट्र का मैप देख सकते हैं जिसकी राजधानी है मुंबई, भारत देश की वाणिज्यिक राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो बिल्कुल जस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में बताया था, पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख, जी हाँ अभी ही बनाए गए थे हरदयाल प्रसाद एसबीआई कार्ड के प्रमुख, और अब इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है और ये बन गए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। नीरज व्यास के स्थान पर यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, पद ग्रहण करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में, इसकी टैगलाइन है घर की बात। आप देख सकते हैं नए एमडी और सीईओ महोदय को, साथ में आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का क्या देख सकते हैं, लोगो भी सामने देख सकते हैं। पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो नीना राय ने लिखी है यहाँ पर अमेजिंग अयोध्या। यह पुस्तक शहर के बारे में, इट मीन्स अयोध्या के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी बल्कि राम और सीता के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अगर अयोध्या को क्या करना है भाई, सांस्कृतिक कैपिटल बनाना है अगर आपको, तो ये सब चीज़ें बुक्स लिखना, वर्ल्ड वाइड फेमस करना, वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसके लिए साहित्य होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर किसके, नीना राय के द्वारा। आप देख सकते हैं अमेजिंग अयोध्या बुक के कवर पेज के साथ में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही विश्वेश कोड टू विन नामक भी एक पुस्तक लिखी थी, स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका थी निरुपमा यादव, इन्होंने जो हमारे यहाँ के क्या है भाई बास्केटबॉल टीम के कप्तान है विश्वेश भृगुवंशी, उनके ऊपर यह लिखी थी। इसके अलावा आपको याद होगा भारत देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। यहाँ पर उन्होंने अपने भारत की विदेश नीति की 3 बड़ी गलतियों की तरफ क्या है लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें 1947 के बाद देश के विभाजन, इसके अलावा आर्थिक सुधार में की गई देरी जो कि चीन में पहले ही हो गई और 15 साल के बाद भारत देश में देखी गई, और परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होना, जहां पर हम पहले ही ये सब कर सकते थे, परमाणु अपना विकल्प बना सकते थे, बाद में किया, जिसका खामियाजा हमें आज तक देखने को मिल रहा है। एस जयशंकर द इंडियन वे। अगला प्रश्न देखिए, 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल किस विषय के साथ मनाया गया? तो इंडिजीनियस डे ऑफ द वर्ल्ड क्या है भाई, आप देख सकते हैं इसे भारत देश में ट्राइबल डे भी कहा जाता है, जनजाति दिवस भी। एक्चुअल में इंडिजीनियस क्या होता है, इंडिजीनियस का मतलब देशज व्यक्ति, देशज का मतलब आप जहां पर पैदा हुए हैं वहीं पर आपका रहना, या मैं यह कहूं कि मूल रहने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति वहीं का है, जहां जहां पर उसका विकास हुआ है वहीं पर अगर वह रहता है तो इंडिजीनियस पीपल देशज व्यक्ति कहलाता है। इसकी इस साल की थीम थी COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस, अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जाता है। स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत देश में भी बहुत बड़ी
संख्या में एसटी की आबादी रहती है जो अपना दिवस इसी दिन मनाती है। क्या है भाई? वर्ल्ड ट्राइबल डे या इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त क्रांति दिन या भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ समूचे देश में कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। यहाँ पर आपको पता है 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को क्या आह्वान किया गया था, इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। गांधी जी 78वीं वर्षगांठ रही हमारी इस क्या भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने आह्वान किया था 2015 में, तभी से यह मनाया जा रहा है। 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था, 7 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हुई थी, उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। भारत देश में एमएसएमईज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।